Hey, good morning everyone. Welcome on my channel CMA Hemant Kumar. Those who are watching my channel first time, I want to tell you I'm a cost accountant. And welcome to all the professional colleagues on my channel CMA Hemant Kumar. Here you will get my personal experience which I gained from last 6 to 7 years in a manufacturing industry. Here I'm sharing my own personal experience. So please, agar aapko suggestions acche lagte hain, then aap le sakte ho. Otherwise you can consult your कंसल्टेंट, ट्यूटर, पेरेंट्स एक्सेट्रा जो भी है आपके जो मेंटोर है आप उनसे सजेशन ले सकते हो. यहाँ पे जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस अपने लाइफ में सीएमए जर्नी में फेस किया है मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ और करता हूँ. सो काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ ईयर एंड क्लोजिंग एंड मंथ एंड क्लोजिंग में मैं बिजी था. सो लॉट ऑफ टाइम डिवोट करना पड़ता है व्हेन ईयर एंड की क्लोजिंग होती है. सो आई कुड नॉट मेक वीडियो. सो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो रेगुलर बेसिस. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. And once again, welcome to all of you. So let's start my video from today's topic. Today's topic not related to that student who have a lot of money to, lot of money to expand in a coaching and a lot of money to take coaching without hesitation. They can go with very good mentor, tutor. So unke liye video nahi hai. आपको मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू दोज स्टूडेंट हु आर वेरी बिलोंग टू वेरी इकोनॉमिकल फैमिली एंड वेरी यू नो मिडिल क्लास फैमिली दोज हु कुड नॉट मैनेज कोचिंग फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट. सो दिस काइंड ऑफ वीडियो सो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है. फर्दर अगर मैं बात करूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने टाइम में ये सिचुएशन थोड़ी बहुत फेस की थी. सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सबको लिए. मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आज के टाइम में आप वो चीज़ें बहुत ही कमी फेस करने को मिलेगी. सो एज यू नो दैट सीएमए इज अ प्रोफेशनल कोर्स एंड इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू कम्प्लीट. मतलब बहुत लंबा टाइम लगता है इसको कम्प्लीट करने में. अगर कोई प्रॉपर स्टेप बाई स्टेप जाए तो मतलब बहुत जल्दी हो सकता है, फिर भी इसको 3 ईयर ऑलमोस्ट लग ही जाते हैं. और अगर कोई बहुत मतलब अगर अटेम्प्ट देने पड़ जाते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम भी लग जाता है. तो ग्रेजुएशन के बाद या जो भी 12th के बाद इस कोर्स को करना चाहते हैं वो तो ज्वाइन कर सकते हैं. और जब ज्वाइन करते हैं तो उनको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं पढ़ने को और बहुत कम टाइम मिलता है. कम टाइम में उनको बहुत वास्ट सिलेबस कवर करना पड़ता है. तो कुछ लोग कोचिंग की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग सेल्फ स्टडी में डिवोट हो जाते हैं, सेल्फ स्टडी ज़्यादा प्रेफर करते हैं. सेल्फ स्टडी वही लोग प्रेफर करते हैं जो ऑलरेडी यानी ग्रेजुएशन कर चुके हों, है ना. और जो सिर्फ 12th के बाद एंटर करता है उनको एक बार कोचिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, सजेशन की ज़रूरत पड़ती है. एटलीस्ट ये तो पता होना पड़ा कि इस सब्जेक्ट में क्या है, तो इसके लिए वो कोचिंग की तरफ जाते हैं. आई फाउंड मेनी ऑफ स्टूडेंट इन दिस कोर्स दोज हु कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट. वो नहीं ले पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो सेलेक्टेड सब्जेक्ट के कोचिंग्स लेते हैं. जैसे अकाउंट्स का ले लिया, है ना, SFM का ले लिया, किसी को लॉ नहीं जमती तो लॉ ले लिया, बाकी वो हार्डवर्क करते हैं. तो आज के टाइम में अगर मैं एक बात करूं कि आप ये कोर्स परस्यू करते हो तो उसके साथ आपको सिर्फ कई सारे लोग क्या होता है कि गाँव से उठ के आते हैं और दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहते हैं, फादर उनके जॉब नहीं करते और वो अपना थोड़ा बहुत पैसे भेजते हैं उसी से मैनेज करके वो स्टडी कोचिंग अपना सेल्फ स्टडी दोस्तों के साथ पढ़ के या ग्रुप स्टडी करके अपना मैनेज करते हैं. दैट्स वेरी गुड थिंग. सो मतलब कि ऐसा करना ही पड़ता है, मजबूरी है और उनको पढ़ना भी है. सो इस टाइम में आप कैसे मैनेज कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में, अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो और आप अभी 12th में हो और आगे सोच रहे हो कि कोई मुझे प्रोफेशनल कोर्स करना है बट उनके पास फी नहीं है, इतना पैसा नहीं है, वो ये सोच के इस कोर्स में एनरोल नहीं करा पाते या नहीं एनरोल करते, या ये सोचते हैं कि इस कोर्स में कोचिंग में बहुत पैसे लगते हैं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, इतना पैसा नहीं है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये ऐसा नहीं है. ये कोर्स मांगता है तुमसे हार्डवर्क और टाइम और डेडिकेशन. 3 चीज़ें, हार्डवर्क, टाइम, डेडिकेशन, ठीक है. इतना पैसा नहीं मांगता. अगर आप इस शूट की फीस देखें तो बहुत नॉमिनली है. मतलब एक कह सकते हो कि हाँ, जो मतलब 3-4 साल की जो पूरे कोर्स की फीस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है. रादर देन आप किसी MBA में रेगुलर कॉलेज में पढ़ रहे हो, बहुत प्राइवेट कॉलेज में जहाँ पे लाखों लोग फूंक देते हैं, उसके मुकाबले तो ये कमी है.
सो इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो अगर आप एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हो, या आप 12th में हो और सोच रहे हो ऐसा कुछ करने का प्रोफेशनल कोर्स, बट आप नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज आपकी फैमिली का जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है. सो इसको कैसे मैनेज करना है? तो देखो, जब मैं फाउंडेशन में था तो मैंने फाउंडेशन की कोचिंग नहीं ली थी. फाउंडेशन मैंने सेल्फ स्टडी से क्लियर किया. इंटर की बात करूँ तो इंटर में जाने के बाद इनकम टैक्स मेरे लिए नया था, तो मैंने इनकम टैक्स की कोचिंग ली. और कभी भी मैंने थ्योरी की कोई क्लास नहीं ली, लॉ, SFM वगैरह, नथिंग, नेवर, कभी नहीं ली. वो मैंने सेल्फ स्टडी ही किया. सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, शायद ये एक्सपीरियंस किसी उसके काम आ जाए जो मतलब इस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है. तो आपको क्या करना है कि सबसे नंबर वन की डू नॉट टेक कोचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट. आपको सारे सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं लेनी है. आप उसको थोरली देखो, आप थ्योरिटिकल कितना अच्छा पढ़ सकते हो, थ्योरिटिकल कितना अच्छा समझ सकते हो, इंस्टीट्यूट की बुक से या स्टैंडर्ड बुक से या जो भी है, आप एक बार देख लीजिए तो कौन सी सब्जेक्ट आप सेल्व कर सकते हो, उस पर डेडिकेशन दे सकते हो, अच्छा टाइम दे सकते हो, आप उसको उसके लिए जा सकते हो. तो डू नॉट टेक कोचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. आइडेंटिफाई दो सब्जेक्ट विच यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ, लाइक SFM हो गया, लॉ हो गया. अगर आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको खुद से ट्राई करना चाहिए रादर देन गो फॉर कोचिंग. इससे क्या फायदा होगा कि आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी, आपको उस चीज को समझने में टाइम तो लगेगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड वो आपके लिए लाइफ टाइम तक रहेगा. कोचिंग में हम क्या करते हैं, कोचिंग में गए, उन्होंने पढ़ाया, हमने समझ दिया, रट्टा मार लिया, ऐसा नहीं है, समझ में आ जाता है, बट क्या होता है कि वो कुछ टाइम के लिए है, फिर हमने एग्जाम दिया, भूल गए. बट जो चीज़ आप सेल्फ करते हो ना, वो आपको ऑलवेज रहती है माइंड में. आज भी मेरे को कई सारी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद है, तो इंटरव्यू में मुझे बहुत काम आता है. तो ये है इसका बेनिफिट सेल्फ स्टडी का. आप अरेंज कर सकते हो कुछ वीडियो, कुछ दोस्तों से आप नोट्स ले सकते हो जो कोचिंग में जा रहे हो, क्योंकि आजकल तो टेलीग्राम है और व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पे लोग शेयर कर देते हैं. तो आप इस तरह की चीज़ों को अरेंज कर सकते हो. किसी भी दोस्त के पास कोई वीडियो क्लासेस है तो वो आप उससे ले सकते हो. तो इस तरह की आप चीज़ें अरेंज करके सेल्फ स्टडी कर सकते हो. मैंने फाइनल में, मेरे पास अकाउंट्स की वीडियो क्लास आ गई थी किसी से, और मैंने उससे बहुत अच्छे से रिवाइज भी किया कई बार, और अच्छे से मैंने उसकी प्रिपरेशन भी की. तो ये बेनिफिट मिला मुझे. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कोर्स. अगर आप कंसिस्टेंट बने हुए हो, जो सब्जेक्ट आपको सेल्फ करनी है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डेली उसको रिवाइज करना है, एक अच्छा टाइम टेबल के साथ, टाइम टेबल ना भी बनाओ बट आपको बैक टू बैक रिविजन जरूर करनी है, अदरवाइज वो माइंड से फ्लैश हो जाता है. तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो, जब हम अपना स्कूल का 12th छोड़ते हैं, तो जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं या ग्रेजुएशन के बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर पे बैठ के पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं. तो जो जॉब के साथ प्रिपरेशन करता है, फाइनेंशियली उसके पास उतना बर्डन नहीं होता, बट जो बैठ के प्रिपरेशन करते हैं या जिनका मतलब कई बार अटेम्प्ट हो चुके हैं, फेल हो रहा हो, तो उस पर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत आ जाता है पढ़ाई के साथ साथ. आई कैन अंडरस्टैंड. सो इस चीज़ को कैसे कम आउट करना है? देखो, पैसा तो सबको चाहिए, अपने एक्सपेंस मैनेज करने हैं, ट्रैवलिंग, फूडिंग, लॉजिंग, है ना, पार्टीज, कभी कभी इंटरनेट, फोन, एक्सेट्रा, ये सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं. तो उनको कैसे आप मैनेज कर सकते हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. तो पढ़ाई के साथ साथ ये कोर्स, मतलब अगर आप सिर्फ ये कोर्स कर रहे हो और आपके पास फाइनेंशियल बर्डन हो, तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हो? तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, जब मैं ग्रेजुएशन में गया था, तो फर्स्ट टाइम मैंने टीचिंग का, मुझे कहीं से ऑफर आया था, तो मुझे लगा कि शायद यार टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, तो मैं अपना पढ़ाई पे फोकस करता हूँ. बट फिर मैंने, उन्होंने कहा कि आपको बस 1 घंटा देना है, 1 घंटा दे दो और हो जाएगा. तो मैंने कहा यार 1 घंटे में हो जाएगा? बोलते हैं हाँ 1 घंटे में हो जाएगा, तुम तो ऑलरेडी यू नो फर्स्ट टू 10th की सारी चीज़ें आपको पता ही है. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखे देखते हैं. तो शुरू के 1 महीने मैंने दिया, मुझे अच्छा भी लगा. मैं इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था उस टाइम, मैं टीच करना शुरू किया, क्योंकि वो सब्जेक्ट में क्या था कि मतलब बहुत, मतलब सब कुछ माइंड में था, बस जाके बोलना समझाना पड़ता था. थोड़ा बहुत रीड कर लिया और मतलब अच्छे से समझा दिया, आता था. तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सही है. उस समय बैच में 6 बच्चे थे व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग. फिर वो धीरे धीरे, जैसे जैसे
जैसे जुलाई में सेशन स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त सितंबर जब फर्स्ट टर्म आता है उस समय स्कूल खुला था, कोरोना का कोई सिचुएशन नहीं थी, तो बच्चे पढ़ते चले गए, तो 6 के 12 हो गए, डबल हो गए। फिर जो टीचिंग स्किल्स थी मेरी धीरे धीरे इम्प्रूव होती गई, लोगों को अच्छा समझ में आने लगा। मैं एक तो सीएमए कर रहा था, तो सीएमए में ऐसे ही बंदा थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है और समझने लगता है चीज़ों को, समझाने लगता है, नोट्स बनाने लगता है, कलर वगैरह ये सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स दिया, तो बच्चे पढ़ने लगे। तो क्या हुआ कि अब बच्चे पढ़ने लगे तो फीस भी ज़्यादा आने लगी। तो यार आई वॉज अर्निंग वेरी वेल, मतलब पॉकेट मनी जो थी मेरा, ट्रेवलिंग मेट्रो का खर्चा था वो आराम से निकल जाता था। आई वॉज हैप्पी कि यार 1 आवर में मेरा इतना अच्छा चल रहा है, तो मैं, मेरे को क्या बुरा है। सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको लगता है कि आपके पास फाइनेंशियल बर्डन है और आपको थोड़ा ये सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, तो आप पूरे दिन में 2 घंटा आराम से टीचिंग को दे सकते हो, और दिस इज अ वेरी मतलब गुड वे। आई एम वेरी सरप्राइज कि उस समय जब मैंने 1 घंटे से जब मैंने बढ़ा के 2 या 3 घंटे शुरू किया, तो उसके बाद तो किस डायरी में 100 का नोट निकलता था मुझे खुद ही पता नहीं चलता था, कब 3 महीने बाद मैं कोई बुक ढूंढ रहा हूँ उसमें 100 का नोट मिल रहा है। तो दैट वॉज वेरी गुड, और इसके बेनिफिट इतने हुए कि मेरी जो रीडिंग स्किल्स थी वो बढ़ गई, जो मेरी मेमोराइज करने की स्किल्स थी वो बढ़ गई, तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि इफ यू आर अ स्टूडेंट और दिस काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर फेसिंग, देन यू शुड ट्राई टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ सोर्सेज। आपको जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए, इससे बहुत बेनिफिट है। आप हमेशा बुक के साथ अटैच रहते हो, आप हमेशा अपडेट रहते हो, है ना। फिर उसके बाद जो मैंने 1-2 PSU सेक्टर में एग्जाम्स दिए, मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स को लेके नहीं और सब्जेक्ट को लेके भी मैंने एग्जाम्स दिए, तो मुझे वो बहुत इजी लगता था। ऐसा लगता था कि यार ठीक है, मतलब आ रहा है। तो ये सारी जो थॉट थी वो चलती थी माइंड में, तो ये बहुत अच्छा है, सोर्स बहुत अच्छा है, टीचिंग इज वेरी गुड प्रोफेशन। फिर क्या है कि अगर आप टीचिंग में, आपको अगर अच्छा लगता है और आपको वो लगता है कि आप अच्छा स्किल्स जनरेट कर चुके हो, तो आप इसको अपना करियर भी बना सकते हो। लेट मी क्लियर विथ एन एग्जाम्पल। सपोज लक्ष्मी नगर में जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े ट्यूटर हैं जो पढ़ाते हैं, जिनको काफी एक्सपीरियंस हो गया, उनके बैच में 100 बच्चे रहते हैं, चलो 50 मान लो, 50 बच्चे रहते हैं, सिर्फ ट्रायल की फीस थी 1000 रुपीज अगर आप ट्रायल लेते हो। तो 50 बच्चों में अगर मान लो ट्रायल लिया, तो कम से कम 5-10 ऐसे बच्चे होते थे जिनको ट्रायल पसंद ही नहीं आता था, तो 1000 रुपीज पे करते थे ट्रायल के लिए, वो फिर कहीं और चले जाते थे। यानी एक दिन उन्होंने 10,000 तो ऐसे ही कमा लिए, है ना। अगर 1000 रुपये फीस है, 10 बच्चे नहीं आते दोबारा तो गए, तो वो उनके पॉकेट में। और सोचो फिर भी 40 बच्चे अगर एक सब्जेक्ट का 8,000 देते हैं, तो बाप रे, 8 चौको 32, 3,20,000। सो आप समझ सकते हो कि मतलब टीचिंग जो प्रोफेशन हो कितना आपको पैसा दे सकता है, अगर आप इसमें किसी एक सब्जेक्ट में भी आप एक्सपर्टीज हो जाए तो। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से, इतना लंबा नहीं जाना चाहता मैं, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, कोचिंग कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन का बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एंड डेफिनेटली यू कैन जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। उसके अलावा सपोज कि अगर आपको टीचिंग करना अच्छा नहीं लगता या आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको दूसरा ऑप्शन ये मैं दूंगा। देखो इस कोर्स के साथ साथ आपको ऐसी जॉब्स पकड़नी है जिसमें आपको पूरा दिन भर एंगेज ना रहना पड़े। आपने जितने टाइम काम किया उस टाइम पे गए वहां काम किया और वापस आ गए, उसके बाद आपको उस काम से कोई मतलब नहीं है, आप अपने पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो इस तरह की मैंने कुछ चीजें ढूंढी, जैसे आप पिज्जा हट में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, आजकल जोमेटो स्विगी ऑनलाइन डिलीवरी का जो चल रहा है इसमें भी कुछ हो सकता है पार्ट टाइम का, तो वो कर सकते हो। यानी अगर आपने 3 बजे मोबाइल ऑन किया, तो 3 बजे से आप काम पे शुरू हुए और शाम को 5 बजे तक आपने काम कर लिया और आपने अपना पॉकेट मनी अर्न कर ली उससे फूड डिलीवरी करके, दैट्स एनफ। उसके बाद तो कोई डिलीवरी के लिए नहीं कॉल आने वाला, ना कुछ आने वाला, जब आपने ऐप बंद कर दी। तो दिस काइंड ऑफ जॉब रियली हेल्पफुल इन दिस प्रोफेशनल कोर्स, तो ये आपका अच्छा पॉकेट मनी के लिए वर्थ ही हो जाती है। और आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्राई कर सकते हो, जैसे आजकल अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया, बहुत सारे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होंगे। तो आप यहाँ पे ट्राई करके आप एक अच्छी मतलब पॉकेट मनी अपनी जनरेट कर सकते हो। इवन यू कैन अर्न वेल अगर आप इसको अपना करियर बनाना चाहते हो तो।
तो टीचिंग इज नॉट अ मतलब कि ऐसा नहीं है कि अच्छा करियर है, इट्स अ वेरी गुड करियर एंड वेरी रिस्पेक्टेबल करियर। आप इसमें बहुत सारा रिस्पेक्ट और पैसा दोनों अच्छी तरह जनरेट कर सकते हो। ये था मतलब कि छोटी सी इंफॉर्मेशन कि अगर आप एज अ स्टूडेंट हो और आप नहीं अपना मतलब कि कोचिंग लेने के लिए मतलब आप पैसे नहीं हैं या फैमिली इकोनॉमिकल है, आप मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेगी इस जर्नी में। आप सोच के देखो, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप टीचिंग में जाते हो, आप हमेशा अपडेट रहते हो। अगर आप सीएमए की कोचिंग करने लग जाते हो, ग्रेजुएशन की कोचिंग करने लग जाते हो, तो आपके पीएसयू के एनी एग्जाम हो वो आपको क्रैक करने में बहुत इजी हो जाता है। आप ऑलवेज टच रहते हो स्टडी के साथ, आप हमेशा मतलब कि अपडेट रहते हो जो भी करंट अफेयर्स हैं इन सब चीज़ों के साथ, आप ऑलवेज अपडेट रहते हो। आप कोई भी इसके अलावा फर्दर स्टडी करने जाते हो तो आपके पास अच्छा खासा टाइम मिलता है, आप उसको पढ़ सकते हो। बट ये सारी चीज़ें आपको जॉब में नहीं मिलेगी। जॉब में आपके पास एक मतलब अच्छा खासा टाइम होता है, जाने का तो टाइम होता है पर आने का टाइम नहीं होता अगर आप जॉब कर रहे हो। आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई करने वाले करते हैं, मैंने भी किया है, बट फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो और ये कोर्स कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। तो यार ये था थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मुझे शेयर करनी थी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब।